हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। द टॉपिक इज सीआरसी, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये मेथड हम यूज करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए और बहुत ही पावरफुल मेथड है। पावरफुल हम क्यों बोल रहे हैं, और इवन पावरफुल के साथ साथ अगर मैं बोलूं, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड विच इज इवन यूज्ड इन द रियल लाइफ एनवायरनमेंट। मतलब हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस में सीआरसी सबसे ज्यादा यूज होता है टू चेक व्हाट एरर्स। तो यहाँ पे हम पावरफुल इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये एक तो सारे के सारे ऑड एरर्स, ऑड नंबर ऑफ एरर्स एंड सिंगल बिट एरर एंड इवन डबल बिट एरर्स ये डिटेक्ट कर सकता है, और साथ के साथ बर्स्ट एरर ऑफ लेंथ इक्वल टू द पॉलिनोमियल डिग्री। तो पॉलिनोमियल डिग्री मतलब जो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है, जैसे अगर हम बात करें ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री जो मैक्सिमम क्या है, 4। तो ये बर्स्ट लेंथ, बर्स्ट एरर की लेंथ जो है 4, उसके इक्वल तक की एरर को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बोलें तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। आइए हम देखते हैं कि इस मेथड को हमें यूज कैसे करना है, बिकॉज यूजीसी या इवन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहां पे आपको सिर्फ इसका न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही मिलेगा, क्योंकि थ्योरी तो इसकी बहुत ही लिमिटेड सी थ्योरी है जो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, ये डिविडेंड आपको डायरेक्ट बाइनरी की फॉर्म में दिया हो सकता है, या फिर हो सकता है ये डिविडेंड आपको दिया हो पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे ये बोला हुआ एक तरह से ये डिवाइजर है, मतलब जिससे हमें वैल्यू को इसको डिवाइड करना है, और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करनी है हमें सीआरसी बिट्स। सीआरसी बिट्स क्या है, एक्चुअल में रिडंडेंट बिट्स होती है। मतलब हम जब भी एरर को डिटेक्ट करना हो या इवन करेक्ट करना हो, तो हम प्योर डेटा अगर भेजेंगे तो प्योर डेटा में डिटेक्ट करना और करेक्ट करना बहुत ही इवन यू कैन से इम्पॉसिबल है। तो आपको प्योर डेटा के साथ साथ कुछ रिडंडेंट बिट भेजनी पड़ती है। दैट्स वाई वी यूज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला M+R। M मतलब नंबर ऑफ बिट्स इन द मैसेज, एंड R मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स जो है यहाँ पे आपको भेजनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कितनी होंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है उतनी बिट्स आपको अपेंड करनी है। उतनी बिट्स अपेंड करने का मतलब है यू हैव टू अपेंड 4 नंबर ऑफ जीरोस, 4 जीरोस यहां पे अपेंड करनी है, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, 4। तो यहां पे मैं 4 बिट्स, 4 जीरोस यहां पे अपेंड कर देता हूं, बिकॉज यही 4 बिट्स को हम रिप्लेस करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, और ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा जो मैं रिसीवर को भेजूंगा। तो यहां पे अगर हम बात करें डिवाइजर हमें करना कैसी है, इसको डिवाइड जो करना है, ये डिवाइजर की वैल्यू तो हमारे पास पॉलिनोमियल में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कॉफिशियंट निकाल लो। लाइक एक्स की पावर 4 का कॉफिशियंट है 1, एक्स की पावर 3 का कॉफिशियंट है 1, एक्स की पावर 2 यहां पे है नहीं, तो x की पावर 2 नहीं है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट उसका कॉफिशियंट क्या है, 0। ताकि आप 0 इंटू एक्स की पावर 2 करोगे या स्केयर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। देन 0 डॉट x की पावर 1, बिकॉज वो भी नहीं है यहाँ पे, और लास्ट में हमारे पास 1 है x की पावर 0 डॉट 1। तो यहाँ पे आप कॉफिशियंट इसके निकाल लो, तो इट बिकम्स 1 1 0 0 1। तो ये आपका बन गया डिवाइजर। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आपको ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी बाइनरी की फॉर्म में दी होंगी, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर बाइनरी फॉर्म में दी है मेरे को कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये दी हो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, लाइक डिवाइजर जैसे इस तरीके से दी है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया इस तरीके से आप डिवाइजर की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। और ये भी हो सकता है आपको ये जो डिविडेंड है ये भी पॉलिनोमियल में दिया हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम मेथड यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हमारे पास हमने कितनी बिट्स अपेंड की है लास्ट में, कितनी 0, 4 जीरो क्यों की है, बिकॉज पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहां पे, 4 है। लेकिन अगर इन केस आपको ये डिवाइजर डायरेक्टली दिया हो इस तरीके से, मतलब ये डायरेक्ट आपको बाइनरी की फॉर्म में दिया हो, तो 5 वैल्यूज है इसमें, 1 2 3 4 5,
तो फाइव वैल्यूज अपेंड नहीं करनी, उस केस में आपको जितनी डिवाइजर के अंदर बिट्स है एक माइनस करके आपको एंटर करनी है, बिकॉज यहाँ पे एक्स की ये वन जो है वो एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डिवाइजर के अंदर बिट्स है एक माइनस करके जो बची उतनी आपको यहाँ पे वैल्यूज अपेंड करनी है। तो दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पोर्शन बहुत ही सिंपल है, आपको बाइनरी डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म करनी है, और बाइनरी डिवीजन में हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन का। तो यहाँ पे 1 1 0 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशेंट नहीं हमें निकालना है, यहाँ पे क्वोशेंट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यहाँ पे यूज है रिमाइंडर वैल्यू का, तो रिमाइंडर निकालना है। और जब भी आप डिवाइड कर रहे हो इसको हमेशा आपको वन से ही स्टार्ट करना है, मतलब पहली पोजीशन पे हमेशा वन होना चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन लगाओ, व्हाट इज एक्सोर, सेम वैल्यूज में जीरो, डिफरेंट वैल्यूज में वन, सेम वैल्यू में जीरो मतलब वन वन बिकम जीरो, जीरो वन वन, जीरो वन वन, 0 0 0 1 1 0, सेम वैल्यूज 0, डिफरेंट वैल्यूज 1, तो यहां पे 1 1 0 0 हमारे पास आ गया। तो ये हमेशा लीडिंग वन, मतलब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर यहां से स्टार्ट करना है तो मेरे पास चार ही बिट्स बची और डिवाइजर में हमारे पास पांच है, तो सिंपल सा फंडा ऊपर से हम एक कैरी कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पे ये जीरो में यहां पे कैरी कर लेता हूं। नेक्स्ट अगेन मुझे लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, जहां पे पहली वैल्यू वन होनी चाहिए, तो 0 0 1, सिंपल आपको बाइनरी एक्सोर यहां पे आपको परफॉर्म करना। तो सेम वैल्यू मतलब 0 0 0 0 1, लो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर आप एक एक करके परफॉर्म करते हो तो वो भी आंसर सही देगा, अगर आप एक एक करके इसको करते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, आप सिंपल सा फंडा यूज करो। अब यहाँ पे क्या आ गया, वन, मतलब आपको लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, लेकिन वन के बाद तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे हमारे पास पांच वैल्यूज है, तो हमें चार वैल्यूज ऊपर से कैरी एक तरह से करनी पड़ेगी, 1 0 1 0, तो यहाँ पे मेरे पास पांच वैल्यूज आ गई। अब अगेन यहाँ पे लेते हैं 1 1 0 0 1, अगेन इसको हमने वन से स्टार्ट किया और अगेन यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। नेक्स्ट अगेन मेरे को यहाँ से लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, पहली वैल्यू वन होनी चाहिए, तो ऊपर से हम अगेन वैल्यूज को लेते हैं, जीरो ले ली, ये जीरो ले ली, और एक और जीरो लेनी पड़ेगी, तब जाके पांच वैल्यूज बन जाएंगी। अगेन हम कर रहे हैं 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 अगेन यूज किया, तो 0 0 0 0 1, नेक्स्ट 0, तो लीडिंग वन से अगर स्टार्ट करें तो 1 0 ही बनेगा, और इसके बाद हमारे पास कोई बिट्स है ही नहीं, तो यहां पे आपका जो है डिवीजन खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, रिमाइंडर की जो वैल्यू आई उसको आपको अपेंड करना है इन चार लोकेशंस पे, लेकिन कैसे, रिमाइंडर में तो वैल्यूज आपको यहां पे 1 2 3 4 5 6 दिख रही है, तो 6 वैल्यूज को अपेंड यहां पे आप नहीं कर सकते। तो सिंपल सा फंडा याद रखें, लास्ट की चार वैल्यूज आप उठा लो, मतलब MSB से स्टार्ट नहीं करना, LSB से स्टार्ट करना है। तो LSB में चार बिट्स क्या है, 0 1 0 0 या 0 0 1 0, तो आप इसको रिप्लेस कर दो किससे, 0 0 1 0, तो अगर मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, कोड जो आएगा वैलिड कोड, ये वैलिड कोड बन जाएगा 0 0 1 0। अब इसको हम पूरे को बोल सकते हैं, दिस बिकम्स अ वैलिड डेटा कोड वर्ड, मतलब ये कोड वर्ड बन गया पूरा। अब हम रिसीवर को क्या भेजेंगे, रिसीवर को इतना मैसेज नहीं भेजेंगे, हम रिसीवर को भेजेंगे पूरा। तो इसमें M की बिट्स कितनी है, 10, और यहां पे R बिट्स कितनी है, 4, तो टोटल 14 बिट्स आपको भेजनी है। जब हम 14 बिट्स भेजेंगे तो देखो होगा क्या, लेट्स से यही 14 बिट्स जब हमने भेज दी, ये 14 बिट्स जब हम भेज देंगे, तो रिसीवर के पास अगर ये एज इट इज पहुंच जाती है, रिसीवर के पास अगर ये एज इट इज पहुंच जाती है, तो इस केस में रिसीवर भी सेम फंडा यूज करेगा, रिसीवर भी सेम डिवाइजर से इस पूरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब वो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, अगेन देखो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, तो अगेन इसको फटाफट करते हैं हम 0 1 1 0 0, तो यहां से ऊपर से अगेन हमने जीरो लिया 1 1 0 0 1,
जीरो 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 वन, तो अगेन ऊपर से यहां से हम वैल्यूज लेते हैं वन जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो वन, जीरो 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 वन वन, अगेन हमने वैल्यूज ली जीरो जीरो वन, नेक्स्ट अगेन हमने इसको वन वन जीरो जीरो वन, तो ये क्या बन गया जीरो 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 जीरो, और ऊपर से हमारे पास क्या आ रही है जीरो, तो पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या आया जीरो। इसका मतलब क्या है कि रास्ते में कोई भी एरर अक्कर नहीं हुआ, सारी बिट्स एज इट इज है। अगर आप कोई भी बिट को चेंज कर देते हो, कोई भी बिट को अगर आप चेंज कर देते हो, लाइक वन से जीरो कर दो या इसको जीरो से वन कर दो, तो आपका डिवाइजर कभी भी जीरो नहीं आएगा, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू बीच में वन हो जाएगी, तो उससे रिसीवर डिटेक्ट कर पाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर आई है, मतलब कोई ना कोई बिट चेंज हुई है। तो ये सिंपल सा फंडा है सीआरसी का कि कैसे ये डिटेक्ट करता है। तो बस आपको जो मेजर पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो यही है कि सबसे पहले तो अगर आपको डिवाइजर पॉलिनोमियल में दिया हो, तो पॉलिनोमियल के केस में जो मैक्सिमम डिग्री है उतनी बिट्स आप लास्ट में अपेंड कर लो। नेक्स्ट, अगर आपको पॉलिनोमियल की बजाय डायरेक्ट ऐसे दी है बाइनरी फॉर्म में, तो जितनी बिट्स है, लेट्स से पांच बिट्स है, तो 5-1 4 करके आपको बिट्स अपेंड करनी है, और हमेशा वन से स्टार्ट करना है डिवाइड करना, उससे आपका लेंथ जो है कम हो जाएगी, अदरवाइज ये बहुत लेंथी जाता। तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसको मत दूसरे मेथड से यूज करना, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। और इसके अलावा क्या आ सकता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब हम कितनी बिट्स टोटल में से कितनी बिट्स डेटा के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है इस केस में कितनी बिट्स भेज रहे हैं हम डेटा की, 10, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन पूरा डेटा कितना भेज रहे हैं 14, क्योंकि चार हमने रिडंडेंट बिट्स लगाई हैं, तो टोटल डेटा क्या हो गया m प्लस r, तो कितना हो गया 14 into 100। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, काइंड ऑफ एफिशिएंसी बोल सकते हो, या चैनल यूटिलाइजेशन फॉर सेंडिंग मैसेज। तो ये कुछ पॉइंट जो है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको गेट या यूजीसी नेट में, और स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बहुत बार आया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है, इस क्वेश्चन में आप गलती मत कर जाना, क्योंकि अगर ये वाला गलत कर जाते हो, ये तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को आता है, जो कोचिंग नहीं भी कर रहे उनको पता होता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये ट्रिक्स आप याद रखना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लेना, ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए, इन केस वो थ्योरी में पूछ लें, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, 99% चांसेस आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आने की है। थैंक यू।